खान ने और स्वागत है आपका जीवन 24 न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ फटाफट खबरों पर। नौकरी का झांसा देकर युवक से ऐठे 80,000 रुपए। बेरोजगारी के चलते नवयुवक जालसाजी का हो रहे हैं शिकार। एक ऐसा ही मामला कौशाम्बी जिले में देखने को मिल रहा है। पीड़ित पिता का आरोप है कि मेरे से राजू लोधी रहने वाला गुवारा का है तथा दीपक रंजीत के गांव पता नहीं है। इन लोगों ने 80,000 रुपए नौकरी दिलाने के लिए लिया, 30,000 फोन के माध्यम से दिए गए तथा 50,000 कैश दिया। अब मेरे लड़के को ना तो नौकरी दे रहे हैं ना तो पैसे वापस कर रहे हैं। नौकरी देने के बदले में पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित पिता ने समाधान दिवस पर न्याय की गुहार लगाई। मामला करारी थाना क्षेत्र का है। कौशाम्बी से धर्मेंद्र दिवाकर की रिपोर्ट। संबल पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। संभल पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। संभल लखासा थाना पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध ट्रैक्टर के पार्ट्स व उससे बने उपकरण किए बरामद तथा 8 अभियुक्तों व उपरोक्त बरामदगी के साथ किया गिरफ्तार। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। 14 तारीख को थाना लखासा क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि चौकी रायशक्ति क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से ट्रैक्टर को काटा जा रहा है तथा उनके पुर्जे अलग करके बेचा जा रहा है तथा उनसे कई उपकरण जैसे जनरेटर भी बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम बनाई गई तथा वहां पर दबिश डाली गई, जहां पर 12 के करीब गोदामों को चेक किया गया तथा सील किया गया। नारीबारी पुलिस चौकी के सिपाहियों के द्वारा ओवरलोड ट्रकों से कराई जा रही है अवैध वसूली। नारीबारी पुलिस चौकी के सिपाहियों के द्वारा ओवरलोड ट्रकों से कराई जा रही है अवैध वसूली। ओवरलोड ट्रकों से वसूली के लिए पुलिस चौकी पर नियुक्त है प्राइवेट लड़के। अगर देखा जाए तो उप जिलाधिकारी 12 के द्वारा जहां कुछ दिन पूर्व 5 ओवरलोड ट्रकों को पकड़कर कार्रवाई की गई थी, वहीं हारो टोल प्लाजा से भी ओवरलोड ट्रकों का परिवहन बंद होने के कारण जहां ये ओवरलोड ट्रकें स्थानीय पुलिस की मदद से अपना रूट ही बदल दी हैं। अगर देखा जाए तो शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत संचालित हो रही नारीबारी पुलिस चौकी के चौकी प्रभारी व सिपाहियों की मिलीभगत से जहां अपनी जेब भरने के लिए ओवरलोड ट्रकों का संचालन करवाया जा रहा है, वहीं अब राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से होकर प्रयागराज मुख्यालय की तरफ ये ओवरलोड ट्रकें न जाकर के नारीबारी से खीरी होते हुए कोढ़ार घाट पुलिस चौकी के सामने से गुजरते हुए करछाना थाना के सामने से होकर ये सभी ओवरलोड ट्रकें परिवहन कर रही हैं। कुछ ट्रक चालकों ने नाम ना उजागर करने की शर्त पर बताया कि उनके द्वारा हर पुलिस चौकी व थाने के सिपाहियों को सुविधा शुल्क दी जाती है और ये सुविधा शुल्क चौकियों पर नियुक्त प्राइवेट लड़के लेते हैं। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में मिलेट्स रेसिपी एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संबल भेजोई बंदायू रोड स्थित OLF चंदौसी में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में मिलेट्स रेसिपी एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अधीक्षक डॉक्टर अनामिका यादव, जिलाधिकारी मनीष बंसल ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया एवं मिलेट से बनाए गए व्यंजनों के स्टॉल का अवलोकन किया। कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि विभाग के द्वारा समस्त अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मिलेट्स के बारे में कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने सभी उपस्थित लोगों को जानकारी दी एवं मिलेट से बने खाने की पौष्टिकता को बताया। जिला अग्रणी प्रबंधक कैनरा बैंक अमित विश्नोई ने बैंकों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में दिए जा रहे लाभों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी एवं अन्य वक्ताओं ने भी मिलेट्स के बारे में अपने अपने विचार रखे। इसके उपरांत जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मिलेट स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे एवं लाभदायक होते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहे ताकि अधिक से अधिक लोग श्री अन्न के प्रति जागरूक हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी हर वह बिंदु उठाकर चल रहे हैं जिसमें अंतिम व्यक्ति का उद्धार हो सके एवं अंतिम व्यक्ति का विकास भी हो सके। मिलेट्स के माध्यम से किसानों को उन्नत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज उपयोगी होता है, इसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। जिलाधिकारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मिलेट्स को सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का और हम सब लोगों को अपने भोजन में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीअन्न खाने में स्वादिष्ट होता है, इनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इनकी ब्रांडिंग करने का भी आवश्यकता है। इसके उपरांत कार्यक्रम के समापन में उप कृषि निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी ने सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कमलेश सचान, उप जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा,
उप कृषि निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी, भूमि संरक्षण अधिकारी ओंकार सिंह, उप जिलाधिकारी चंदौसी संदीप कुमार वर्मा, समस्त डिप्टी कलेक्टर, जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र कुमार पांडे, जिला सूचना अधिकारी ब्रजेश कुमार, जिला अभिहित अधिकारी संजय शर्मा, जिला अर्थ एवं संख्यिकी अधिकार पुलकित श्रीवास्तव एवं जनपद स्तरीय अधिकारी सहित रेस्टोरेंट के प्रतिनिधि एवं प्रगतिशील किसान तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। संबल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मिशन शक्ति फेज 4 का किया शुभारंभ। संबल भिजोई मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत आज मंडी समिति पुलिस लाइन भिजोई से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें महिला पुलिस कांस्टेबल, बेसिक शिक्षा विभाग की अध्यापिका, ISDS विभाग से आंगनबाड़ी एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तथा स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक महिलाएं शामिल हुई। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत एवं मुख्य विकास अधिकारी कमलेश सचान ने दो पहिया एवं चार पहिया वाहन रैली का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली भिजोई से निकलकर चंदौसी होते हुए वापस कलेक्ट्रेट परिसर भिजोई पहुंची। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी कमलेश सचान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. तरन्नुम रजा, क्षेत्र अधिकारी भिजोई दीपक तिवारी एवं यातायात प्रभारी क्षेत्र अधिकारी पंकज लावनिया, जिला सूचना अधिकारी ब्रजेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक वेदराम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर आदि उपस्थित रहे। इसके उपरांत रैली का समापन कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। कलेक्टर सभागार भिजोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लखनऊ में मिशन शक्ति फेज 4 का शुभारंभ किया, जिसका सजीव प्रसारण कलेक्टर सभागार भिजोई में जनप्रतिनिधिगण एवं प्रशासनिक अधिकारियों तथा समूह की महिलाएं, महिला आरक्षी एवं महिला निरीक्षक तथा स्वास्थ्य विभाग की कार्मिक महिलाएं तथा शिक्षा विभाग के अध्यापकों की उपस्थिति में अवलोकन करते हुए सुनाया गया। इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन श्रीमती गुलाब देवी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि महिला एक ऐसी शक्ति है जिसको ईश्वर ने हर पीड़ा सहन करने की क्षमता दी है। महिला से ज्यादा पीड़ा सहन करने की क्षमता किसी में नहीं है, इसलिए वह जननी भी कहलाती है। महिला अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने अस्तित्व को कायम रखती है, इसलिए देवी भी कहलाती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। माननीय मंत्री जी ने सरकार की सभी योजनाओं को विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, स्वास्थ्य विभाग की कार्मिक महिलाएं, शिक्षा विभाग की अध्यापिकाएं एवं विद्यालय की उत्तम अंक पाने वाली छात्राओं को माननीय मंत्री जी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष तथा जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक तथा मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालक CDPO बनिया खेड़ा दक्षिणा यादव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव, जिला अधिकारी मनीष बंसल, पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत, मुख्य विकास अधिकारी कमलेश सचान, उपर जिला अधिकारी प्रदीप वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीचंद, समस्त संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिगण एवं महिला शक्ति उपस्थित रहे। संबल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। BSP नेता डॉक्टर अनुपम दुबे के होटल पर कार्रवाई करने को पहुंचा जिला प्रशासन। BSP नेता के होटल श्री गुरु शरणम पैलेस को ध्वस्त करने को पहुंचा प्रशासन। शहर की व्यस्ततम ठंडी सड़क को छावनी में किया तब्दील। होटल के दोनों तरफ करीब 500 मीटर के दायरे में परिंदे को भी पर मारने की नहीं इजाजत। लाल गेट फब्बारे के पास व दूसरी तरफ ITI चौराहा के पास चार जगह की गई बैरिकेडिंग। नगर पालिका कर्मियों व राजस्व कर्मियों के जारी किए गए हैं पास, किसी को पैदल भी निकलने की नहीं दी गई इजाजत। राजस्व कर्मियों व नगर पालिका कर्मियों को पास देखकर ही दिया जा रहा है प्रवेश। मीडिया कर्मियों को भी होटल की जद से रखा गया दूर। बैरिकेटिंग के अंदर मीडिया कर्मियों को भी जाने की नहीं दी जा रही है इजाजत। मेरी जानकारी के अनुसार जनपद समेत बाहर के कई जनपदों से भी बुलाया गया है भारी बल पुलिस। नगर मैजिस्ट्रेट सतीश चंद्र, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह व सिटी प्रदीप कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद। थाना कादरी गेट क्षेत्र की ठंडी सड़क पर स्थित होटल गुरु शरणम पैलेस का मामला। नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 233 करोड़ की दी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन गोरखपुर महानगर को 233 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम और NTPC के बीच कूड़े से चारकोल बनाने के प्लांट की स्थापना के लिए MOU भी हुआ। मुख्यमंत्री ने नगर निगम की 303 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण समारोह का MOU आदान प्रदान समझ में कहा।
नगरीय विकास आज की आवश्यकता है। भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए नगरीय विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इससे लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की भी संभावना बढ़ेगी। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की महती भूमिका है। गोरखपुर नगर निगम ने NTPC के सहयोग से इस दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। NTPC की तरफ से प्लांट लग जाने के बाद नगर निकायों का कूड़ा चारकोल के रूप में बिजली उत्पादन का साधन बनेगा। सीएम ने कहा, सॉलिड वेस्ट का उचित प्रबंध नाम होने से कूड़ा ऐसे ही यहां वहां फेंक दिया जाता था। शहर के एंट्री पॉइंट पर कूड़े के ढेर के दर्शन होते थे, इससे सिटी के विकास पर पानी फिरता दिखता था। अब ऐसा प्लांट लगने जा रहा है जहां कूड़े से चारकोल CNG का उत्पादन होगा। NTPC के इस प्लांट से नगर निगम को 25 सालों में 600 करोड़ रुपए की बचत होगी। बचत के रुपए का उपयोग विकास के कार्यों में होगा। 500 टन प्रतिदिन कूड़े की जरूरत वाले इस प्लांट से नगर निगम के साथ ही जिले की तमाम नगर पंचायत के कूड़े का भी समुचित निस्तारण हो जाएगा। इस शहर के एंट्री पॉइंट पर कूड़ा नहीं दिखेगा और बाहर से आने वाले लोग के मन में अच्छा संदेश जाएगा। गोरखपुर साफ और सुंदर दिखेगा तो लोगों के मन में यहाँ के नागरिकों के प्रति सम्मान का भाव बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि NTPC नगर निगम और सरकारी भवनों पर सोलर पैनल भी लगवाएंगे और इससे सोलर सिटी के रूप में भी गोरखपुर की पहचान सुदृढ़ होगी। इसके लिए सीएम ने NTPC को धन्यवाद दिया। और नगर निगम की गोरखपुर महानगर के विकास की 234 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित नवरात्रि की प्रथम तिथि है। प्रतिपदा की स्थिति पर जगत जननी माँ भगवती दुर्गा। युवा जन कल्याण समिति ने जिला चिकित्सालय में आयोजित किया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। जनपद गोरखपुर में आज नरसेवा नारायण सेवा के उद्देश्य पर डेंगू से पीड़ित एवं रक्त व प्लेटलेट से संबंधित पीड़ित मरीजों के सुरक्षा एवं उनके जीवन रक्षा हेतु सामाजिक संगठन युवा जन कल्याण समिति गोरखपुर उत्तर प्रदेश के संस्थापक संरक्षक ज्योतिषाचार्य ब्रजेश पांडे के आह्वान पर संगठन प्रमुख व अध्यक्ष युवा समाज सेवी कुलदीप पांडे के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय सदर गोरखपुर में स्वैच्छिक रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी संजय पांडे ने फीता काटकर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर स्वेच्छा से रक्तदान में सहभागिता दिखाई तथा दर्जनों रक्तवीरों ने रक्तदान कर जरूरतमंदों के जीवन बचाने का नेक कार्य किया तथा संगठन द्वारा रक्तदाताओं को जूस फल बिस्किट पानी की बोतल देकर स्वास्थ्य का ख्याल रखा गया। इस दौरान संगठन के प्रमुख अध्यक्ष युवा समाज सेवी कुलदीप पांडे ने रक्तदान महादान को बताते हुए कहा कि रक्तदान महादान दान है जिससे 3 से 4 लोग के जीवन को बचाया जा सकता है। रक्त किसी भी फैक्ट्री या कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता, यह एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से आदान प्रदान व सहयोग से ही संभव हो सकता है। आज जैसे कि युवा जन कल्याण समिति के तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान महादान कैंप का आयोजन जिला चिकित्सालय सदर में किया गया है। लगभग दर्जनों लोगों ने जो स्वैच्छिक रक्तदान किया है। देखिए, जिस प्रकार से अवेयरनेस जागरूकता फैलाया गया विगत 2 सप्ताहों से, लगता नहीं है कि लोग काफ़ी जागरूक हैं, क्योंकि ये स्वैच्छिक रक्तदान है, क्योंकि एक दूसरे की सेवा एवं जीवन रक्षा के लिए काफ़ी जो पुनीत कार्य है। और मुझे नहीं लगता है कि यह जो अनेक कार्य में जो काफ़ी लोग सहभागिता दिखाए हैं, लेकिन युवा जन कल्याण समिति के बैनर तले संस्थापक ब्रजेश पांडे जी के जो है मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम चल रहा है। और आज ये पुनः जो है जिला चिकित्सालय में चल रहा है, तो काफ़ी युवा जो आगे दिए भी हैं, संतुष्टि मिली है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN24 न्यूज। धन्यवाद। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं GBN24 न्यूज।